समझे विज्ञान कक्षा 8 इकाई 10 फसल उत्पादन। इसमें हम पढ़ेंगे भूमि, मिट्टी की तैयारी, बीजों का चुनाव एवं बुआई, मृदा के पोषक तत्व, उर्वरक एवं रोगाणुनाशक, नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सिंचाई कटाई एवं मड़ाई, अनाज का भंडारण, फसल सुधार की विधियां एवं हरित क्रांति, जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लगभग 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान, यह सभी कृषि पर आधारित हैं। क्या आप जानते हैं कि कृषि की शुरुआत कब और कैसे हुई? प्राचीन काल में मानव अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता था और जंतुओं को मारकर तथा उपलब्ध फल फूल इत्यादि से अपनी भूख मिटाता था। ऐसा अनुमान है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व जब मानव ने नदी के किनारे बसना शुरू किया, तभी से उसने खाद्य पदार्थों को उगाने के तरीके खोज निकाले और यहीं से कृषि की शुरुआत हुई। सभ्यता के विकास के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए तथा अनाज, फल, सब्जियों के पौधे उगाए जाने लगे। किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को फसल कहते हैं, जैसे गेहूं की फसल, आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों की फसल, फलों एवं फूलों की फसल आदि। क्या आप जानते हैं कि सभी फसलें एक ही ऋतु में भली प्रकार नहीं उगती? मौसम के अनुसार फसलें भी अलग अलग किस्म की होती हैं। जैसे जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल खरीफ फसल है, जिसके अंतर्गत मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। नवंबर से अप्रैल माह तक बोई जाने वाली रबी की फसल कहलाती है। इसके अंतर्गत गेहूं, सरसों, चना, आलू इत्यादि बोए जाते हैं। मार्च से जून माह तक बोई जाने वाली फसल जायद फसल है, जिसमें मूंग, उड़द आदि हैं। अच्छी पैदावार के लिए हमारे किसान चरणबद्ध तरीके से खेती करते हैं। आइए विस्तार से इनके विभिन्न चरणों को जानने का प्रयास करते हैं। मिट्टी तैयार करना। फसल बोने का पहला चरण है खेत की मिट्टी तैयार करना, क्योंकि पौधे मिट्टी से ही जल एवं आवश्यक पोषण प्राप्त करते हैं। मिट्टी की दरअसल कई किस्में होती हैं। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं चिकनी मिट्टी कहलाती है। बलुई और चिकनी मिट्टी का मिश्रण दोमट मिट्टी कहलाता है। जब पेड़ पौधों की पत्तियां कीट पतंगों तथा गोबर आदि के सड़ने गलने से बना ह्यूमस मिट्टी में मिल जाता है तो तीनों प्रकार की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। भूमि में मिट्टी के कण छोटे बड़े आकार के होते हैं। इन्हें एक सार करने के लिए सर्वप्रथम खेत में हर द्वारा जुताई की जाती है। जुताई से मिट्टी के बड़े कण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तथा मिट्टी पोली हो जाती है। उथली जुताई हैरो नामक यंत्र से की जाती है। यह तिकोनिया हैरो। इससे मिट्टी में वायु संचरण की वृद्धि होती है तथा अनावश्यक पौधे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी के उलटने पलटने से उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। फिर भूमि को समतल बनाने के लिए लकड़ी का पाटल चलाया जाता है। समतलीकरण के कारण भूमि की नमी सुरक्षित रहती है। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी के किस्म के आधार पर फसल का चुनाव किया जाता है, जैसे बलुई मिट्टी तरबूज, खरबूज, मक्का, बाजरा आदि के लिए उपयुक्त है, जबकि चिकनी मिट्टी धान, सनी तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। दोमट मिट्टी में गेहूँ, चना, मटर, टमाटर इत्यादि की फसल बोई जाती है। बीजों का चुनाव एवं बुआई। खेतों की मिट्टी तैयार करने तथा बीजों का चयन करके मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। स्वस्थ और अच्छे बीज चुनकर डालने से फसल की गुणवत्ता बनी रहती है। अच्छे बीजों के चयन का परीक्षण निम्नवत करें। उदाहरण स्वरूप गेहूं के 100 ग्राम बीज, आवश्यकता अनुसार अन्य बीज भी ले सकते हैं। इन्हें लेकर जल से भरे कटोरे में डालिए तथा कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद अवलोकन कीजिए, कुछ बीज तली में बैठे हुए तथा कुछ तैरते हुए दिखाई देंगे। जो बीज तैर रहे हैं वे अंदर से खोखले होने के कारण हल्के हैं। ऐसा कीड़ों के खाने के कारण भी हो सकता है। ये बीज स्वस्थ नहीं है, अतः ये बुआई के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके विपरीत तलहटी में बैठे बीज स्वस्थ होते हैं तथा बुआई के लिए उत्तम होते हैं। बीजों के चयन के उपरांत बुआई की जाती है। बुआई के कई तरीके हैं, जैसे कुछ पौधों के बीज छित्राकर बोए जाते हैं, जैसे बाजरा, मक्का आदि। कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं, इसके लिए डिबलर तथा बीज भेदक सील ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। बुवाई का पारंपरिक तरीका ये बैल से खेत जोत रहे हैं।
इसके द्वारा बीज समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई तक बोए जा सकते हैं। गहराई तक बोए जाने से पक्षियों द्वारा बीज की क्षति की संभावना नहीं होती है। बीजों के बीच उचित दूरी का भी ध्यान रखा जाता है ताकि पौधों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जल तथा पोषक तत्व प्राप्त हो सकें। धान उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। धान की बुआई के लिए किसी छोटे भूभाग या पौध घर के धान के बीजों को बोया जाता है। जब इनके छोटे छोटे पौध तैयार हो जाते हैं तो स्वस्थ पौधों को खेत में रोप देते हैं। इस फसल को खेत में खड़े पानी की आवश्यकता होती है। किसान ध्यान रखते हैं कि रोपाई के समय पौध के मध्य उचित दूरी रखा जाए। बुवाई के उपरांत बीज मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करके वृद्धि करते रहते हैं। यह है डिबलर और यह सीड ड्रिल। मृदा के पोषक तत्व उर्वरक। पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए मृदा, मिट्टी से जल एवं खनिज लवण पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यदि मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं तो फसलों की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है, मुख्य पोषक तत्व, गौड़ पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि को पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा कम मात्रा में होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों को कुछ पोषक तत्व जैसे लोहा, तांबा, जिंक आदि की अति सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। फिर भी इनकी कमी होने से पौधों की वृद्धि एवं विकास और फसल की पैदावार प्रभावित होती है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। जैसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है जिससे भूमि की उर्वरकता बनी रहती है, इसे फसल चक्रण कहते हैं। इसी प्रकार कपास और मूंगफली भी साथ साथ लगाए जाने की परंपरा है। भूमि की उर्वरा शक्ति कुछ सीमा तक इन प्राकृतिक और पारंपरिक उपायों से सुरक्षित रह सकती है, लेकिन मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार शाक सब्जियों, पौधों पत्तियां एवं अन्य जैव अपशिष्ट से प्राप्त कार्बनिक खाद पदार्थ कहलाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में एकत्रित करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार की गई खाद कंपोस्ट कहलाती है। खाद के माध्यम से पोषक तत्व यदि पूरे ना पड़ते तो ये तब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उर्वरक जैसे लवण तथा कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन आदि उपस्थित होते हैं। प्रमुख रासायनिक उर्वरक हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपरफॉस्फेट ऑफ लाइम इत्यादि। इनमें नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उर्वरक जल में अति लघुलनशील होते हैं, इस कारण पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। अलग अलग फसलों के लिए उर्वरक भी अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दलहनी फसलों को नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इन पौधों की नाइट्रोजन की जरूरत उनकी जड़ों में स्थित जीवाणु की सहायता से नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा पूरी हो जाती है। आइए जानें कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन सभी खाद्य पदार्थों का एक आवश्यक अवयव है, हालांकि यह वायु में प्रचुर मात्रा लगभग 79% में उपस्थित है। फिर भी पौधे इसे सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकते। वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा, तड़ित एवं वर्षा द्वारा, रासायनिक उर्वरक द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे एजोटोबैक्टर आदि बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदलते हैं। इसके अलावा दलहन कुल के पौधों की जड़ों में गांठें पाए जाते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवाणु राइजोबियम पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं जिनका उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है।
तड़ित एवं वर्षा द्वारा। तेज वर्षा के समय बिजली कड़कने पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल वर्षा के साथ भूमि पर गिरता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम को उनके घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देता है और जल में घुलकर ये लवण जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। रासायनिक उर्वरक द्वारा वायु की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों में रासायनिक यौगिकों में परिवर्तित की जाती है और उर्वरक के रूप में इनका इस्तेमाल भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। उपयुक्त विधियों द्वारा वायु की नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में पौधे द्वारा इस्तेमाल होकर भोज्य पदार्थों में जाती है और भोजन के रूप में जंतुओं में पहुँचती है। पौधों तथा जंतुओं के मृत होने पर सूक्ष्म जीवाणु द्वारा इनका अपघटन होता है और नाइट्रोजन पुनः वायु में मिल जाती है। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। इसके द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। आज के वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का अगली वीडियो में पढ़ेंगे फसलों की सिंचाई से।